आदि करें शुरू। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आज जो है हुई है, और इसमें काफ़ी जो है आज अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें जो हमारा स्वर्ण जयंती जो पॉलिसी है हाइड्रो पावर को लेकर, इसमें जो है संशोधन किया गया है। इसमें जो अब जो शेयरिंग का जो पैटर्न है वो जो है 20% 12 साल के लिए होगा और 30% 18 साल नेक्स्ट के लिए होगा, और बाकी के लिए जो है 40% का जो है शेयर का जो है ये फैसला लिया गया है, और जो भी लीज होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में वो 40 साल के लिए ही होगा। इसके साथ में जनजातीय क्षेत्रों में जो खासकर बॉर्डर के साथ लगते हमारा किन्नौर और स्पीति का इलाका है, वहाँ पर बिजली की जो है सप्लाई को लेकर जो है एक 486 करोड़ का जो है स्कीम जो है आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, और इस स्कीम के पूर्ण होने पर ये जो बॉर्डर एरिया है जिला किन्नौर का कुछ एरिया और स्पीति का एरिया और आर्मी का जो वहाँ पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, इनको बेहतरीन जो है बिजली की सप्लाई की और बिजली की जो है वोल्टेज की जो अच्छी जो है सप्लाई वहाँ पर दी जाएगी। साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में करीब जो है 1226 पोस्ट जो है कांस्टेबल्स के भरे जाएंगे, जिसमें महिलाओं को जो है 30% जो है उसमें महिला कांस्टेबल्स के लिए विशेष जो है रिजर्वेशन का प्रावधान की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा के अंदर जो एक हमारा जू बनना है, और ये जू जो है करीब 619 करोड़ रुपए इसमें जो है पूर्ण खर्च होगा, और इसमें बहुत सारे जो हमारे वन प्राणी हैं उसको इस जू में रखा जाएगा, और इस जू का बनाने का उद्देश्य यह है कि वहाँ पर जो हमारा टूरिज्म का कैपिटल हम जिसको घोषित किया है धर्मशाला का, और इस इलाके में निचले क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जू का जो है निर्माण की मंजूरी इसके बजट के प्रावधान के लिए कैबिनेट ने दी है, और शीघ्र ही इसका जो है शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया जाएगा। साथ में एक यमुनानगर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है लीज पर प्राइम जगह पर जो है भूमि है, जिसे पिछली सरकार ने केवल मात्र 4 करोड़ में जो लीज जो मालिक है उसके साथ जो है इसका फाइनल फैसला करने का किया था, क्योंकि ये प्राइम प्रॉपर्टी है वहाँ पर यमुनानगर में, तो इसके लिए भी ये कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ये जो लीज है परपेचुअल है, जब तक उचित इसका मूल्य नहीं मिलेगा तब तक इसका जो है हम लीज जो है छोड़ेंगे नहीं। साथ में आयुष डिपार्टमेंट में 78 नए जो है वेलनेस सेंटर खुलेंगे, जिसमें 312 जो है पोस्टें भी साथ में भरी जाएगी, और एक एक आयुष सेंटर को बनाने के लिए 75 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए इसकी भी मंजूरी कैबिनेट ने दिया है। साथ में हमीरपुर जिले के अंदर जो बिजली बोर्ड है हमारा, इसका चीफ इंजीनियर का अलग से जो है वहाँ पर विंग खुलेगा, और इससे जो है हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के जो है चीफ इंजीनियर के जो है 4 ऑफिस हो जाएंगे। साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अभी जो है 20 पोस्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स के भरने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दिया है।
तो ये कुछ विशेष जो फैसले लिए गए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। धन्यवाद। हाँ, उसके लिए अभी कैबिनेट की दोबारा बैठक होनी है शीघ्र, उसमें जो है वेन्यू का फाइनल डिसाइड किया जाएगा, पर ये तय है कि 11 को ही होना है। कहाँ पे होगा? अब ये होगा तो धर्मशाला में होगा या उसके साथ लगते इलाके में होगा, उसका फाइनल फैसला भी होना है। और सर, हाइड्रो पॉलिसी में बदलाव की जरूरत, क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइज करना है, और पिछली सरकार ने जो SJVNL के साथ लूरी और जो सुनी का प्रोजेक्ट का जो MOU साइन किया, बड़े अचंभा की बात है, उसमें प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं की गई, उनको बड़े सस्ते में ये प्रोजेक्ट दे दिया, और साथ में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का जो कंसेप्ट था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1.5%, वो भी इस प्रोजेक्ट में नहीं रखा गया। तो अब क्योंकि इन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में जो है लंबे समय से बहुत सारे जो MOUs हुए हैं वो पिछली सरकार में जो है बिल्कुल जो है प्रदेश के हितों को ध्यान में रख के नहीं किया गया है। प्रदेश को रिसोर्स मोबिलाइज करना है, हमारा अपना जो जल है उसका उचित जो है हमें उपयोग भी करना है और उसका उचित लाभ भी उठाना है। अब जो नई पॉलिसी बनी है इसमें ये किया कि पहले 12 साल में हम 20% लेंगे, उसके बाद जो आगे का 18 जो साल रहेगा उसमें 30% लेंगे, और बाकी के जो 10 साल बचेंगे उसमें हम जो है 40% लेंगे, और लीज भी जो है सिर्फ 40 साल के लिए होगा। और क्या बदलाव हुए सर ऊर्जा पॉलिसी में इसके अलावा क्या? हाँ, ये तो मेजर पॉलिसी चेंज है सर, ये पिछलों में भी लागू होगा जो पिछले हैं? नहीं नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव ही होगा। सर, जो अपफ्रंट प्रीमियम होता है प्रोजेक्टों का, उसमें भी कोई बढ़ोतरी हुई है या सेम पहले की तरह है? नहीं, उसमें कोई अभी हमने वो नहीं किया, सिर्फ हमने जो शेयरिंग का जो पैटर्न है इसको चेंज किया। सर, कैटेगराइज किया जैसे स्मॉल के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, छोटे एरिया के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स? नहीं, ये जनरल है जो आपने। थैंक यू।